मेरा नाम शबाना परवीन है, मैं सीता की रहने वाली हूँ, जिला दादू। और मेरा शोहर बेरोजगार है, वो उसके पास में से कुछ भी नहीं है, वो बीमार रहता है। बस घर के हालात ऐसे कुछ गुजारा करते हैं हम, मगर हमारा इतना नहीं है कि बच्चों का पेट पालें या उसकी पढ़ाई का खर्चा करें। घरों में काम करती हूँ, पोछा बुहारी लगाती हूँ या बर्तन मानती हूँ उसका, और धूप में जाती हूँ, सुबह से यहाँ जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ। ऐसे मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे होते हैं, जब तक अम्मी हमारी आ जाए वो तो भूखे ही रहेंगे ना। तो यहाँ आए थे कोई सर्वे के लिए, वो हमको एक चिट्ठियाँ लिख कर दे के चले गए, फिर उसके 3 महीने के बाद हमारे लिए वो पेमेंट आ गई। पहले तो मैंने वो अपने बच्चों के लिए वॉशरूम बनाया, क्योंकि वो जा रहे थे खेतों में। उसके बाद हमने नलके के लिए वो गोलियाँ मंगवाई, वो उसमें डाली कि मीठा पानी हमको मिले। फिर धागा लिया, धागे के बाद में वो टोपी वगैरह या बर्थ वगैरह वो मैं करती हूँ, और उसमें से कुछ बचत होती है, फिर वो अपने बच्चों का या अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। पहले मेरे बच्चे नहीं पढ़ते थे, अभी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। बहुत बहुत खुशी हुई थी, हमने कहा कि अल्लाह हम पर राज़ी हो गए हैं, हमको कुछ पैसे मिले हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ हम गुजारा कर सकेंगे। और मैं बिस्प की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उसके आगे कि मैं एक खुद मुख्तियार एक औरत बन गई हूँ और मैं इस हालात का सामना कर सकती हूँ।